डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस क्लास में। आज किस वीडियो में बात करेंगे हिंदी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये हिंदी का पार्ट 3 है। अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 देखना हो तो कमेंट बॉक्स में आइएगा, नीचे वहां पे वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है, बिस्मिल्ला खां के मामा का नाम क्या था? ए ऑप्शन है रियाजुल हुसैन, बी ऑप्शन है असगर खां, सी ऑप्शन है सादिक हुसैन, डी ऑप्शन है अफताब अली। तो बिस्मिल्ला खां के मामा का नाम क्या था? तो सादिक हुसैन था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा 100% सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न। अगला नंबर प्रश्न है, रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे? ए ऑप्शन है 11 रुपया, बी ऑप्शन है 15 रुपया, सी ऑप्शन है 25 रुपया, डी ऑप्शन है 13 रुपया। तो रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा 11 रुपया खो गया था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। और इसी का चोरी का इल्जाम किस पे लगा था? तो बहादुर पे लगा था। आइए देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न। तीन नंबर प्रश्न है, सेन साहब किस कहानी के पात्र हैं? ए ऑप्शन है बहादुर, बी ऑप्शन है मछली, सी ऑप्शन है 20 के दांत, डी ऑप्शन है नाखून क्यों बढ़ते हैं। जो सेन साहब हैं वो किस कहानी के पात्र हैं? तो सेन साहब 20 के दांत कहानी के पात्र है। और सेन साहब का एक लड़का था खोखा, जिसका नाम क्या था? कासू था। तो सेन साहब किस कहानी के पात्र हैं? तो 20 के दांत के कहानी के पात्र हैं। आइए देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न। अगला नंबर प्रश्न है 4 नंबर, उत्तर भारत के नागरी लिपि को हम किस नाम से जानते हैं? ए ऑप्शन है देवनागरी लिपि, बी ऑप्शन है ब्राह्मी लिपि, सी ऑप्शन है खरुष्टी लिपि, डी ऑप्शन है गुरुमुखी लिपि। तो उत्तर भारत के नागरी लिपि को हम किस नाम से जानते हैं? तो देवनागरी लिपि के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न। पांच नंबर प्रश्न है, मनुष्य का नाखून था? ए ऑप्शन है प्राचीनतम हथियार, बी ऑप्शन है मध्यकालीन हथियार, सी ऑप्शन है आधुनिक हथियार, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जो मनुष्य का नाखून था वो प्राचीन में क्या था? शिकार करने में या अपनी रक्षा करने में प्रयोग करते थे नाखून बढ़ा के। तो मनुष्यों का जो नाखून था वो प्राचीनतम काल में क्या था? मनुष्य का नाखून एक क्या था? प्राचीनतम हथियार था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न। छह नंबर प्रश्न है, भारतीय संस्कृति किसका प्रतीक है? ए ऑप्शन है एकता का, बी ऑप्शन है मानवता का, सी ऑप्शन है विविधता का, डी ऑप्शन है भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। यहाँ पे भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग लोग, अलग अलग संस्कृति के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, इसीलिए भारतीय संस्कृति इतना अच्छा है विश्व में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य का। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न। सात नंबर प्रश्न है, भारत माता कहाँ निवास करती हैं? लेखक के अनुसार भारत माता कहाँ निवास करती हैं? ए ऑप्शन है गांव में, बी ऑप्शन है शहरों में, सी ऑप्शन है नगर में, डी ऑप्शन है पर्वत पर। तो भारत माता कहाँ निवास करती हैं? तो गांव में निवास करती हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए, ई ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ये देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है, दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था? तो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या होता है? जो साहित्य लिखते हैं उनके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार जो दिया जाता है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार ही होता है। तो दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था? ए ऑप्शन है उर्वशी के लिए, बी ऑप्शन है नील कुसुम के लिए, सी ऑप्शन है पशुराम की प्रतीक्षा के लिए, डी ऑप्शन है दशरथ के लिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा उर्वशी के लिए दिनकर साहब को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न। अगला नंबर प्रश्न है, मंगमा क्या काम करती थी? ए ऑप्शन है मछली बेचती थी, बी ऑप्शन है गीत गाती थी, सी ऑप्शन है दही बेचती थी, डी ऑप्शन है नाचती थी।
तो मंगमा क्या करती थी, तो दही बेचती थी, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यहाँ पे दही बेचने का काम करती थी मंगमा। आइए देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न। अगला नंबर प्रश्न है 10 नंबर, पहले दिन पपाती को क्या हो गया था, ए ऑप्शन है सिर दर्द, बी ऑप्शन है जुकाम, सी ऑप्शन है बुखार, डी ऑप्शन है पेट दर्द। तो पहले दिन पपाती को क्या हो गया था, तो बुखार हो गया था, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न। अगला नंबर प्रश्न है 11 नंबर, भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ पे हुआ था, जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर है जो भारतीय संविधान लिखे हैं, ये भी क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान लिखने में कितना समय लगा था, तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, और उसको लिखा कौन था, तो भीमराव अंबेडकर साहब ने लिखा था। तो भीमराव अंबेडकर साहब का जन्म कहाँ पे हुआ था, ए ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन है गुजरात, सी ऑप्शन है महाराष्ट्र, डी ऑप्शन है तमिलनाडु। तो भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है, रसूलन बाई क्या थी, ए ऑप्शन है नर्तकी, बी ऑप्शन है कवित्री, सी ऑप्शन है लेखिका, डी ऑप्शन है गायिका। तो रसूलन बाई क्या थी, तो रसूलन बाई क्या थी, गायिका थी, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोगों का, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न। अगला नंबर प्रश्न है 13 नंबर, गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होता है, मतलब उनके अनुसार शिक्षा किस में सहायक होता है, ए ऑप्शन है शारीरिक विकास में, बी ऑप्शन है बौद्धिक विकास में, सी ऑप्शन है शारीरिक बुद्धि और आत्मा के विकास में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षा किस में सहायक होता है, गांधी जी के अनुसार शिक्षा बुद्धि और आत्मा के विकास में सहायक होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी, सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न है, रस खान दिल्ली से कहाँ चले गए, ए ऑप्शन है बनारस, बी ऑप्शन है ब्रजभूमि, सी ऑप्शन है गोरखपुर, डी ऑप्शन है सौराष्ट्र। तो रस खान जो कवि हैं वो दिल्ली से कहाँ चले गए, तो ब्रजभूमि चले गए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकॉन आएगा उसे प्रेस करके ऑन कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें तब तक आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आइए देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न। अगला नंबर प्रश्न है 15 नंबर, जनतंत्र का जन्म किसकी रचना है, ए ऑप्शन है प्रेमघन, बी ऑप्शन है दिनकर, सी ऑप्शन है पंत, डी ऑप्शन है कुंवर नारायण। तो यहाँ पे बोल रहा है जनतंत्र का जन्म किसका, किनकी रचना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, दिनकर की रचना है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न। अगला नंबर प्रश्न है 16 नंबर, भारत से हमने क्या सीखा साहित्य का कौन सा विधा है, ए ऑप्शन कहानी है, भाषण है, सी ऑप्शन है निबंध है, डी ऑप्शन है आत्मकथा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, भाषण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है, धरती कब तक घूमेगी कि नायिका कौन है, ए ऑप्शन है पपाती, बी ऑप्शन है सीता, सी ऑप्शन है मंगमा, डी ऑप्शन है गीता। तो धरती कब तक घूमेगी कि नायिका कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, सीता क्या है इसकी, नायिका है। आइए देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न। अगला नंबर प्रश्न है 18 नंबर, मंगू को कहाँ भर्ती कराया गया था, ए ऑप्शन है अस्पताल में, बी ऑप्शन है अनाथालय में, सी ऑप्शन है विद्यालय में, डी ऑप्शन है सेना में। तो मंगू को कहाँ भर्ती कराया गया था, अस्पताल में भर्ती कराया गया था, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न। अगला नंबर प्रश्न है 19 नंबर, लक्ष्मी लक्ष्मण की क्या थी, ए ऑप्शन है पत्नी, बी ऑप्शन है बहन, सी ऑप्शन चाचा, डी ऑप्शन माँ। तो लक्ष्मी लक्ष्मण की क्या थी, तो पत्नी थी, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न। अगला नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देख लीजिए, अगला नंबर प्रश्न है 20 नंबर, रस खान किस काल के कवि थे, ए ऑप्शन है आदिकाल के, बी ऑप्शन है मध्यकाल के, सी ऑप्शन है रीतिकाल के, डी ऑप्शन है आधुनिक काल के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। रस खान किस काल के कवि थे, तो रीतिकाल के कवि थे, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
दोस्तों अगर मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास, जो दोस्त पढ़ते हैं, जो भाई है या बहन है, उनके पास ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और देखने के लिए वीडियो यहाँ तक थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए।